अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडोज़ 10 की अक्टूबर अपडेट, जो न्यू अपडेट आई है, उसकी ISO फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के ज़रिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी तरफ से हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च करना है विंडोज़ 10 ISO फाइल। और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, तो इस तरह का लिखा हुआ आ जाएगा। आपने इसी वेबसाइट पर चले जाना है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। हम माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से उसकी ओरिजिनल ISO फाइल डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, ऊपर लिखा होगा अपडेट नाउ और नीचे डाउनलोड टूल नाउ। तो अब हमने अपडेट भी नहीं करना इसको और टूल भी डाउनलोड नहीं करना क्योंकि इसमें ISO फाइल डाउनलोड नहीं होती। तो हम IDM के ज़रिए इसकी ISO फाइल डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसको आप किसी भी USB को बूटेबल बना के उससे विंडो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के दो ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने इनमें से किसी पे क्लिक नहीं करना। आपने अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M का बटन दबाना है पहले और फिर कंट्रोल शिफ्ट और I का बटन दबा देना है। तो जैसे मैं यहाँ से पहले कंट्रोल शिफ्ट और M का बटन दबाता हूँ और फिर कंट्रोल शिफ्ट I का बटन आपने दबाना है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। जब ये इस तरह का शो हो जाए तो आपने पेज को रिफ़्रेश कर देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा रिफ़्रेश होने में। तो इस तरह की पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो दोबारा से मैं बना रहा हूँ कि लेटेस्ट अपडेट जो आई है इसकी अक्टूबर अपडेट विंडोज़ 10 की, उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये 32-bit 64-bit जो भी आप चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक ये पूरा पेज लोड हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे ये लोड हो चुका है। जब ये लोड पूरा पेज हो जाए तो आपने ये आपको बिल्कुल साइड बार में ये क्रॉस का आइकॉन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से पूरी विंडो इसकी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस भी चेंज हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो ये नीचे सेलेक्ट एडिशन मांग रहा है कि आपने कौन सा एडिशन डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट एडिशन पे क्लिक करके ये देख सकते हैं आप सेलेक्ट एडिशन पे क्लिक करके इसका एडिशन सेलेक्ट करना है। तो इसका अभी अक्टूबर 2020 की अपडेट चल रही है, तो वही वाला लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ 10 अक्टूबर 2020 अपडेट। तो आपने यहाँ पर विंडोज़ 10 पर क्लिक कर देना है। और नीचे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी देर लोडिंग होगी और नीचे ये कह रहा है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करें, कौन सी लैंग्वेज में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं इंग्लिश सेलेक्ट करके फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है और फिर थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब देख सकते हैं विंडोज़ 10 इंग्लिश 64-bit डाउनलोड, 32-bit डाउनलोड, ये दोनों ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। अब आप यहाँ से क्लिक करके जो आप डाउनलोड करना चाहें इसको बआसानी कर सकते हैं और उसको बाद में बूटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं ये 64-bit पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड का ऑप्शन सामने आ जाएगा IDM का, जिससे आप फुल स्पीड में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये आ चुका है, ये तकरीबन 5.5 GB के करीब फाइल है। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको बूटेबल बना के विंडोज़ कंप्यूटर में कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस मेथड से आप इसको विंडोज़ 10 का लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं।
आपको कोई हैक की हुई विंडो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और ये फास्ट भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यही वाली विंडो की हुई है, तो यहाँ पे आप इसका वर्ज़न भी चेक कर सकते हैं, विंडोज़ 10 प्रो 2020 की। ये आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, तो आप यहाँ से इसी तरह बआसानी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बूटेबल कैसे बनाना है उसकी वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं।